हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए, बीती रात से एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मनकोट सेक्टर में रात करीब 10 बजे पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया है। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए हैं। और जैसा कि लगातार हम सुबह से आपको बता रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तानी सेना इसकी पुष्टि करे। न सिर्फ सेना ने पुष्टि की है पाकिस्तान की, बल्कि तस्वीरें भी जारी की हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से अजय वाचलू जुड़ गए हैं। अजय, क्या अभी भी सीज फायर वायलेशन चल रहा है, क्या अभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है? देखिए विकास, इस खबर को लेकर सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों की माने तो जो मनकोट सेक्टर में कल पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी और भारतीय सेना ने जिस तरह से उसका जवाब दिया है, और जो 2 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर की तस्दीक पाकिस्तान कर रहा है, नुकसान उससे काफी बड़ा है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज से यह दावा किया है कि जो पाकिस्तान की जिस तरह से रिटेलिएशन हुआ है भारत की तरफ से, उसमें 2 पाकिस्तान की चौकियां जो है वो तबाह हुई है और पाकिस्तान के 5 से 7 सैनिक भारत की जवाबी कार्रवाई में ढेर हो चुके हैं। इसके साथ ही रक्षा सूत्रों ने एबीपी न्यूज से यह भी दावा किया है कि जो 2 चौकियां पाकिस्तानी सेना की चौकियां तबाह हुई हैं, वहां से भारत के एक्शन को देखते हुए कुछ पाकिस्तानी सैनिक भाग भी खड़े हुए हैं। इस तरह का दावा जो है सूत्रों ने किया है। तो ये भारत का जो एक्शन है वो तत्तापानी इलाके में है, वहां पर किया गया और लगातार जो है कल रात अभी गोलीबारी हो रही है, उसके बाद भारत के एक्शन में पाकिस्तान काफी घबरा गया है। हाल जी, अभी गोलीबारी रात को बंद हो गई है, लेकिन सीमा पर लगातार तनाव है और दोनों भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हर नापाक एक्शन पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। जी, आप भी नजर बनाए रखिएगा खबर पर, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। विकास, हम सुबह से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि 2 पाकिस्तानी सैनिकों का ये स्वीकार करना पाकिस्तान की तरफ से इस बात की तस्दीक करता है कि नुकसान इससे बड़ा हुआ है। बिल्कुल, नुकसान बड़ा हुआ है और जैसा कि अजय ने अभी बताया कि 5 से 7 सैनिक पाकिस्तान के ढेर हुए।